ये मेरे ख्याल से इसका नैपी बदलने का टाइम हो गया दीपू. कैन यू प्लीज चेंज नैपी. चलो अभी मम्मी पापा घूमने जाएंगे. नहीं ये नीचे से ही गीला करता है. ओके चलो चलो. मंजू तो बड़ा सुरीला गाती. मेरे को तेरा टैलेंट पता नहीं था. मेरे को पता तो इतना अच्छा गाती. आज तक तुम लोग डुएट सॉन्ग गा चुके होते 50-60. अभी अभी आप जो गीत सुन रहे थे इसे स्वरबद्ध किया है लता मंगेशकर ने. अच्छा तो रेडियो बजा रही थी तभी मैं कहूँ भोपू जैसे मुंह से कोयल जैसी आवाज कैसे निकल रही है. अगर मैं भोपू जैसी हूँ ना तो आप बिल्कुल लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसे नहीं हो. कौन सा कैप्रियो नहीं हो. लियोनार्डो डिकैप्रियो. नाम लियोनार्डो डिकैप्रियो को ले रही है. मुंह टाइटैनिक जैसा बनाया हुआ है लियोनार्डो डिकैप्रियो. और तू गाया मत कर जैसे तेरा मुंह अपने मुंह से तानपुरा बजाकर बैठ के आराम से. हाँ आपको तो बस यही सब कुछ आता है. हाँ नहीं तो आपको पता नहीं लेकिन मैं अपनी कॉलेज की बेस्ट सिंगर हुआ करती थी. कौन सा कॉलेज. कौन सा जहाँ आठवीं तक पढ़ाते उसको कॉलेज. स्कूल बोलते उसको. कॉलेज बोल देती है. बड़ी आई बातें करती कॉलेज की. आपको ना शर्मा जी टैलेंट की कोई कदर नहीं है तो आपसे शादी होगी. वरना किसी जोशी ने कहा था पाजी. हाँ. कि ना किसी दिन मैं फिल्मों में गाना गाऊंगी. हाँ, वही जोशी आधे घंटे बाद पुलिस पकड़ के लेगी उसको कच्ची शराब बेचने के जुर्म में. वो कहा का जोशी है. आप ना फालतू की बातें छोड़िए. बेबी का नामकरण नहीं सजावट भी तो करनी है. सजावट करनी है तो करना सजावट. इतने बड़े बड़े होड़ दिए एक बार में दर्जन गुब्बारे बुला के लगाया यहाँ पे. शर्मा जी बकवास मत कीजिए. आप मेहमान आने वाले हैं आज. एक तुम्हारे पिताजी ने इतने बच्चे पैदा करके मेहमानों की फौज खड़ी कर रखी है और कौन से मेहमान बुलाने हमें. तो शर्म नहीं आती पापा के बारे में ऐसा बोलते हुए. इनको करते हुए शर्म ना आए हम बोलते हुए भी शर्माए. वाह. आप शर्माना बाद में. बेबी का कोई नाम सोचो. नाम चाहे इसका ब्रैड पिट रख ले उसमें क्या फर्क पड़ता है. सन तो कराती लाली आएगा कि नहीं. आप नहीं चाहते कि आपका भी नाम किसी के आगे लगे. मतलब कि इसके साथ खेलने कूदने के लिए अगर एक और छोटा सा नन्ना मुन्ना सा आ जाए. खबरदार ये आइडिया तुमने अपने बाप को दिया. दो अरे उनको नहीं मैं आपको आइडिया दे रही हूं. उफ और मैंने भी मैं तो अब हमारे बच्चे का नाम भी सोच लिया. रहने रहने बच्चा ताजा ताजा होगा. नाम तेरा बासी होगा. अभी से क्यों सोचा तूने. अरे लेकिन समझ समझने की कोशिश तो कीजिए. इंसान को हर काम समय से कर लेना चाहिए. तो ये बात अपने पिताजी को बताइए कि समय के बाद नहीं करना चाहिए. ओवरटाइम क्यों कर रहे हैं वो. अरे पापा को छोड़ो ना यार शर्मा जी. आप देखिए अगर हमारा बच्चा भी आ जाएगा तो फिर इसके कपड़े हमारे बच्चे के काम आ जाएंगे. ये सच्चा इनका कि पिछले साल वाले कपड़े खराब ना जाए अगले साल नया बच्चा तैयार. इसका बड़ा भाई इसी चक्कर में जल्दी जल्दी बूढ़ा होगा कि पिताजी के कपड़े बेकार ना जाएं. हद है शर्म करो यार. देखिए मुझे ना आपसे बहस नहीं करनी. मेहमान आने वाले मुझे मेकअप वेकअप भी तो करना है फंक्शन के लिए. मेकअप करके तो बड़ा दीपिका पादुकोण लगेगी. रहेगी तो खरातीलाल की बेटी ना. फटाफट रेडी हो गया. अच्छा तो बात ही करना बेकार है. तुमसे बात करके तो मैं बड़ा प्राइम मिनिस्टर लग गया. पाजी 18वां बच्चा हुआ घर में. हाँ. फिर भी नामकरण संस्कार रख लिया. बताओ इससे अच्छा ससुर के कान के नीचे रखते ना तो ये सब होता ही ना आज. लेकिन हमारे देश में नाम की बड़ी अहमियत है. आप देखो शादी में जब कार्ड छपते हैं पाजी तो नाम का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है स्पेशली सीनियोरिटी के हिसाब से. हाँ. अगर आपने फूफा की जगह जीजा का नाम पहले छाप दिया. हाँ. फूफा सारी शादी में गलती निकालता फिरेगा. भाई पूरी में तो बड़ा तेल निकला. अरे पूरी में तेल निकला पूरी में से स्कूटर निकलेगा. लग गई. हाँ अजीब अजीब बातें करेंगे. भाई रसगुल्ला तो इतना मीठा था मुंह चिपक गया मेरा. तो तब घर वाले सोचते हैं भाई 30 साल पहले तो सड़ा सा लड्डू खा के हमारी बुआ ले गया था. हाँ. आज तेरे को रसगुल्ला भी चिपचिपा लग रहा है. रसगुल्ला तो चिपचिपा ही होता. कईयों के नाम पारी पर्सनालिटी को सूट नहीं करते. कई कई बार हम लोग बच्चे का ना ऐसे नाम रख देते तीर्थ कुमार कि बच्चा बड़ा होकर धार्मिक निकलेगा. लेकिन वो तीर्थ कुमार बड़ा होके सिवाय बैंकॉक के किसी तीर्थ नहीं जाता. हो तो पलटी खा जाते हैं. आप देखो पाजी हिटलर कितना सा था. हिटलर इतना सा था. एक उंगली का आदमी आधी उंगली की मूछ. उसका नाम हिटलर नहीं होता तो कौन डरता उससे. उसका नाम अगर चिंपू होता तो थप्पड़ मार के वैसे भी डालते लोग. हिटलर नाम था इसलिए डर था उसका. फिल्म में भी देख लो पाजी आप विलन के नाम जो होते मगैम्बो डॉक्टर डैंग गब्बर. अब गब्बर का डायलॉग गब्बर को ही सूट करता था. हाँ. 50-50 कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटा गब्बर आ जाएगा. अगर इसकी ये बोलते कि 50 कोस तक दूर बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा बेटा रमेश कुमार आ जाएगा तो कौन डरता. कोई नहीं डरता.
कभी कभी दुबले से आदमी को हम लोग ऐसे समझ लेते कि कुछ नहीं होगा, छोटू इधर आ, उसकी आवाज अजीब सी निकलती है, क्या बे? तो कई बार हम लोग किसी जाड़े आदमी को, मोटे सारे आदमी को पहलवान बोला, और जी पहलवान जी क्या बे? सूट ही नहीं करती, बॉडी को नाम नहीं सूट करता। आज की मॉडर्न सिटी में भाई नया ट्रेंड आ गया है आजकल ना, ये शहरों में आप सब लोग गवाह होंगे, घरवालियां ना आजकल नाम से नहीं बुलाती हैं, बुला भी लेती हैं, पर नया चीज आ गया आजकल, बॉयफ्रेंड को भी बेबी खाना खा लिया। अच्छा कोई सुनता है ना तो उसको लगता है कि बेबी बड़ा हैंडसम था, बाद में ला बेबी का इतना सारा पेट, इतनी बड़ी बड़ी मूछे, बेबी का खुद का दो तीन बेबी घूम रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता, कहीं पे भी जोड़ देते हैं। अच्छा कई कई बार किसी आदमी की बीवी का नाम होता ना कविता, तो अगर उसको सेम नाम की कविता कोई खूब स्लिम ट्रिम सी दिखे, तब उसको एहसास होता है कि असली कविता तो ये है, हम तो बहुत साल पुराना उपन्यास लेके घूम रहे थे। हमारे इंडिया में ना बच्चे राइमिंग बड़ी करते हैं नाम के साथ, अगर किसी का नाम कालू है ना तो उसको ऐसे बोल देंगे, कालू कालू तू बड़ा चालू। एक दो अंग्रेजों ने ऐसे सुन लिया तो एक दूसरे के साथ राइमिंग कर रहे थे, पीटर और जॉन, तो जॉन पीटर को बोलता, पीटर पीटर आई लव योर सिस्टर। पीटर को गुस्सा आया, पीटर कहता, जॉन जॉन आई लव योर वाइफ। कहता नो इट्स नॉट राइमिंग, कहता इट्स नॉट राइमिंग बट दिस फैक्ट। पर सुनने में आया अभी ना क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स, आप तो आपके तो दोस्त हैं, उन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा है। वाह, सोचो अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो कैसा हो। हाँ और बहन जी आपका भूटान नजर नहीं आ रहा बड़े दिनों से। हाँ कल पतंग लूटते लूटते गिर पड़ा तो माथा सूजा है, आपकी सिलीगुड़ी कैसी है? हमारी सिलीगुड़ी ठीक है, ये जो अपने नुक्कड़ वाले बठिंडा जी हैं उनका छोटा बेटा ना भगवाड़ा, उसके साथ उसका जलंधर कर रहे हैं। मतलब मैं वैसे सोचता हूँ कि अगर मान लो आंख, आंख को आंख बोलेंगे, किसने सोचा हो, किसी बुजुर्ग सैने ने सोचा होगा, आंख को अगर आंख नहीं बोलते ठुल्लू बोलते तो आज सब ठुल्ली बोल रहे होते आंख को, तो सोचो आप गाने कैसे कैसे होते। देखा है पहली बार साजन के ठुल्लू में प्यार। सलमान भाई की फिल्म में कैसा ना, ठुल्लू की गुस्ताखियां। हाँ पुराने गाने भी कैसे होते, ठुल्लू ही ठुल्लू में इशारा हो गया। पुराने पुराने गाने कैसे होते, तेरे ठुल्लू के सिवा दुनिया में। और फिल्मों के डायलॉग कैसे हो जाते, ठुल्लू निकाल निकाल के क्या देख रहा बे, ठुल्लू निकाल के हाथ में दे दूंगा, सब कुछ चेंज हो जाता, विलेन। विलेन लोग अपने गुंडों को ऑर्डर कैसे देते, इसको हमारे अड्डे का पता नहीं चलना चाहिए, इसके ठुल्लू पे पट्टी बांध के ले जाओ। लड़का लड़की देखने रिश्तेदार आते, लड़के की आंख थोड़ी सी टेढ़ी है तो कैसे बोलते, बाकी सब तो ठीक है, लड़के का ठुल्लू थोड़ा टेढ़ा नहीं है। कुछ लोग जो होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है ना तो बड़ी जिद करते हैं कि इसका नाम तो हम रखेंगे हम रखेंगे। अब बुजुर्ग थोड़े ओल्ड फैशन है तो अपने हिसाब से नाम रखते हैं, जैसे हमारी टीम में हमारे धर्मपाल ठाकुर जी, अब तो ठीक लगते हैं बड़े हो गए हैं, जब छोटे होंगे सोचो कैसा लगता होगा, छोटे से बच्चा नाम धर्मपाल ठाकुर। बच्चा बाहर खेल रहा है, धर्मपाल ठाकुर मिट्टी मत खाओ। तो बाहर से कोई सोच रहा तो उसको तो यही लगेगा ना इनका दादा मिट्टी खाता है। तो ऐसे ही बच्चे जब बड़े होते कईयों को लगता है कि नहीं यार हमारा बचपन में ना ऐसा नहीं होना चाहिए था, बच्चों का नाम बच्चों जैसा होना चाहिए। यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्तों के जिनको ये लग रहा होगा कि यार हम अपने नाम से खुश नहीं है, कौन कौन ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनको आज ये लगता है कि मैं अपने नाम से खुश नहीं हूँ। जी हाँ मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरा नाम बबल है। बबल 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 तो बहुत अच्छा नाम है। हाय बबल हाउ आर यू। तो आप बबल बहुत अच्छा नाम, पूरा कर दो बबल काम। हाँ वही तो मैं बोल रही थी कि मेरे को सब ऐसे चिढ़ा देते हैं। तो आपका निकनेम है बबल। हाँ। तो पूरा नाम क्या है? विमलेश सिंह। हाँ जी विमलेश सिंह आए हैं साथ में? नहीं हूँ। अच्छा आपका नाम है बबल, बहुत अच्छा है। आपको उल्टा विमलेश सिंह से प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। उससे भी प्रॉब्लम। विमलेश सिंह तो मुझे लगा कोई आर्मी अफसर आएगा अभी, पर बबल तो बहुत अच्छा नाम लगा मुझे, मुझे तो क्यूट नाम लगा बबल। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर मैं भी खुश हो जाऊं। चलिए विमलेश का कुछ करिए अगर हो सकता है। कपिल मैं सोच रही थी कि इधर ही कर देते आज मेरा नामकरण। हमने एक्चुअली ना फ्रूट एक ही बच्चे के हिसाब से मंगाए। आपका जब नामकरण हुआ होगा आप तो बहुत छोटे रहे होंगे, आप अपने नाम से खुश हैं?
बहुत खुश हूँ। जब घर में बड़े बुजुर्ग आपको बुलाते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होती क्योंकि भाभी का नाम भी नवजोत है? अरे बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि मैं पासपोर्ट लेके दोनों हम गए दुबई जा रहे थे तो पासपोर्ट दिया, उसने कहा जी नवजोत ये थोड़ा ना आप हैं नवजोत, अब मैं क्या नवजोत स्क्वेयर है, हम दोनों ही नवजोत हैं। तो कभी ऐसा तो नहीं हो आपकी जगह वो भी पार्लियामेंट में चक्कर लगाती हो? पार्लियामेंट वाले कह रहे हैं एक नहीं संभाला जाता, दो दो नहीं चाहिए। अच्छा कुछ ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जो अपने नाम से बहुत ज्यादा खुश है। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम सखाराम है और मैं ये नाम से बहुत खुश हूँ कि ये नाम मेरे परिवार में तो सब संतों के नाम है, जैसे सखाराम, तुकाराम, नामदेव, जनाबाई, मुक्ताबाई, एकनाथ, भानदास, ये महाराष्ट्र के सब संत है। तो अभी आपको क्या लगता है कि आपका नाम ऐसा होने से आपकी जो आदतें हैं वो भी संतों वाली हैं? हाँ संतों वाली है। शादी हुई आपकी? शादी हुई। बच्चे कितने सर आपके सखाराम जी? मेरे 4 बच्चे हैं सर। संत जी मेरी अभी आपका नाम सखाराम है तो 4 बच्चे हैं, अगर आपका नाम शाहरुख खान होता तो आप तो सही है। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं भी बातों बातों में भूल गया यार, हमारे बच्चे का फंक्शन है, सब लोग आते होंगे मेहमान। आजा 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 आजा। हे सजी रही गली मेरी अम्मा सुन रे गोटे में, सजी रही गली मेरी अम्मा सुन रे गोटे में, सुन रे गोटे में रुपए रे गोटे में, सुन रे गोटे में रुपए रे गोटे में, सजी रही गली मेरी अम्मा सुन रे गोटे में, सजी रही गली मेरी अम्मा सुन रे गोटे में। हाय हाय मुबारक हो आपको भी। बधाई तो बधाई। किस बात की बधाई भाई? अरे बधाई किस बात की होती है, घर में बच्चा हुआ है, बधाई उसकी दो। नोट निकाल। इधर तो बच्चे होते रहते हैं, हर बार बधाई दे क्या? कंजूस, कोने में जाके चॉकलेट चूस। इतनी बड़ी फिल्म कर रहा है, चल पैसे निकाल। हाँ तो फिल्म का नाम लिया तो उस खुशी में तेरे को देता हूँ। बच्चे तो होते रहते, चलो ये लो 500 का, ध्यान से नकली है। हाय 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 हाय, इतनी बड़ी फिल्म कर रहा है अब्बास मस्तान की, कोई गफूर भाई की करना ही यार तू फिल्म। कम से कम नोट तो जोड़े में दे। अरे अरे जो दे रहे रख लो यार, रख लो अपने पास है। ससुर जी आप इनके साथ क्या कर रहे? मैं बेटा वो 17 बच्चे पैदा कर लिए, उनका बकाया था पेंडिंग, मेरे से दिए नहीं जा रहे थे, मैंने इनको ज्वाइन कर लिया, मैंने कहा धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। आपको शर्म नहीं आती? आप पैसे के लिए कुछ भी कर लेते हैं, उनके साथ मिलकर तालियां बजा रहे हैं आप? अरे 17 बच्चे पैदा किए हैं यार, उनका ब्याह भी तो करना है, जब दहेज आएगा तब देख लेंगे। क्यों शर्म नहीं आती आपको दहेज की बात करते हुए? अरे दहेज तुम लेने देते, ताले तुम मारने नहीं देते हैं, इसकी माँ से मिलने नहीं देते, मेरा तो करियर बर्बाद हो जाएगा यार। आप लोगों में से मेरे पापा कौन है? अरे बाप को नहीं पहचान रहे तू? अरे पापा देखो घाघरा पहना के 4 करना चाहूंगा, तब तक कोई को पता चलेगा बाप को ना दिला। हाय हाय हाय, ये कौन से नंबर का बच्चा है तेरा? इसकी तो बधाई मिली नहीं हमको, चल निकाल इसकी बधाई। इसकी बधाई बनती है, इसका तो जुर्माना बनता है, तुम लोग निकालो। अरे हम क्यों निकाले, तुम निकालो। मैं कहा निकालू, मैंने पहला किया इसको। एक काम करो इसको ले जाओ तुम अपने साथ। अरे क्यों? ना रे बाबा ना, इसको लेके जाएंगे तालियों के बीच में आएगा ना, जितना बचा उतना भी खत्म हो जाएगा। क्यों रे, तेरे को पैदा होने की बहुत जल्दी थी क्या? आराम से पैदा होता, बाकी हिस्सा किधर है तेरा? हम लोग तब से इतना डांस कर रहे, इतना नाचे, इतना कम पैसा दिया तूने, चल और पैसे निकाल, बधाई निकाल। डांस करने के पैसे मिलते हैं? चल बेटा डांस कर। मैं नहीं नाचूंगा। तो फिर पैसे दे दे। कौन से गाने पे नाचना है? हाय हाय, ये राजू के साथ हमारा कंपटीशन है, चल शुरू होते हैं। क्या बात, हम दो अनाड़ी, ना देखा आगाड़ी, ना देखा पिछाड़ी, पटरी पे डाल दी ये दिल की गाड़ी, पटरी पे डाल दी ये दिल की गाड़ी, ना तूने सिग्नल देखा, ना तूने सिग्नल देखा,
ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। ले अब तेरी बारी। हम दोनों अकेले हैं। फैमिली आपातकालीन स्थिति है बेटा, आ जाओ आ जाओ। हाँ जी पापा। पानी शुरू शुरू। सतगुरु मेली आया जी, महाराज ने बूटा लाया। हमसे पैसा मांग रहा है और हमारा हक मांग रहा है, इसलिए तेरे घर में ऐसी औलाद पैदा होती है। चल रे चल, दूसरे घर जाते हैं। पापा भैया आप लोग अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? घर में आज फंक्शन है ना पापा, प्लीज आज तो जाके नहा लो। बेटा लोग बच्चे को मिलने आ रहे हैं, मुझे सूंघने थोड़ी आ रहे हैं। पापा बहुत गंदी बदबू आ रही है, जाओ जाके नहाओ प्लीज। यार आज भी नहाना पड़ेगा। दामाद जी आज नहीं आ रहा, नहाने में साबुन पहले लगा देंगे पानी। काम करो टॉयलेट में जाओ, उधर तेजाब पड़ा रुई लेके ना उसको रगड़ो, इसको आप उनसे नहाएंगे। गंदी बात। चलो बेटा चलो 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 प्लीज जाके तैयार हो जाइए। क्या पापा से कैसे बात करते हैं? पापा की ड्रेस देखी तूने? शुक्र कर थप्पड़ नहीं मारे मैंने उसको। बधाई लेने वालों के साथ नाच रहा है, ऐसा करता कोई? बात करना बेकार है, तेरे बाप से बात करके मैंने अमेरिका और चाइना के संबंध सुधार लिए ना जैसे। अब मुंह सुझा के क्यों बैठी है? किसी भी नोट को हाथ लगाया ला इधर। अगर लुटना नहीं तो लुटा क्यों रही थी आप? अरे अच्छा लगता है, नोट उड़ रहे हैं, हम आ रहे हैं। कैसी है? What a big surprise! काय का big surprise? इतनी सी तो है इनके साथ। ये मेरी मासी है। मासी है? जी हाँ मासी है। मासी कहाँ, ये तो जरा सी है। मासी जी आप कैसे आई? मतलब कैसे आई क्या? ट्रेन से, छुक छुक। अच्छा अच्छा ट्रेन से आई। ट्रेन में क्या जरूरत थी, आप तो जितनी है बाइक कुरियर आ जाती। क्या एरी मंजू कौन है याद नहीं जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बकवास बातें कर रहा है। और ये बच्चा कौन है साड़ी पहनकर विग लगा के घूम रहा है? ए भैया तुम चुप ही रहो, बीच में मत बोलो वरना मैं जूड़े की पिन से आदमी के कपड़े फाड़ देती हूँ। हाँ। देखिए मुझे भैया मत बोलिए, मैं आपकी मंजू का पति हूँ। मौसा जी की तूने खूब गई। अरे वो अपने बिजनेस में बिजी है। काय का बिजनेस करते हैं मौसा जी? अरे इसके मौसा जी बिजनेस करते हैं खरबूजा सूंघ के बताने का कि खरबूजा अंदर से मीठा है कि नहीं। अच्छा खरबूजा सूंघ के बताते हैं खरबूजा मीठा कि नहीं? हाँ। तो बीवी देख के नहीं बता पाए कि फीकी निकलेगी? एक तो यहाँ कहीं मुझे ईंट भी दिखाई ना दे रही, दूर से फेंक के मार दूंगा। मौसी आप मौसा जी की मदद नहीं करती दुकान में? मैं दुकान कहाँ जा पाती हूँ? क्या करने जाएंगी दुकान पे, वहाँ पे कहीं खरबूजे के नीचे आएगी इनकी जान निकल जाएगी खरबूजे की हसी। मासी अब इनकी बातों का बुरा मत मानिए, इनको मजाक करने की आदत है। अच्छा ये मजाक कर रहे थे, मुझे तो हंसी ना आई। ओहो भाई रोमांटिक रोमांटिक खुशबू आ रही है भाई। जीजा जी आप अभी तक जिंदा हैं?
हाँ ये जिंदा है तभी तो हम हर साल शर्मिंदा हैं इनकी वजह से। ए दामाजी, ये एक्शन का मूड नहीं है, यहाँ तो रोमांटिक सीन की डिमांड है भाई। कैसे एक पाते जिया जी, आप अभी तक भूले नहीं है मुझे। कैसे भूल सकता हूँ तुमको, हैं? ये ना होती तो मेरा जूता कोई नहीं चुरा पाता शादी में, ये जूते में बैठ के भागी थी। पहली बार जूता चलता हुआ देखा था मैंने। अरे भाई बातें तो होती रहेंगी, मेहमान की खातिरदारी करते हैं, बताओ क्या लोगी? हग की हैंडशेक। कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? अरे सुना नहीं तुमने कि साली आधी घरवाली होती है, है? अब तुम आधी तो हो नहीं, 1/4 हो, कोई बात नहीं। पापा, कैसी बातें कर रहे हो? अरे यार तुम अभी तक अंदर गई नहीं, चलो अंदर जाओ, बाथरूम का नल बंद करो, चल अभी तक जाओ, जा। पानी का नल खोल के आ। चाली जी, बस जब शादी हो रही थी थोड़ा बिजी था, आपको छेड़ने का टाइम नहीं मिला था, बस छेड़ नहीं सका। हाँ ये तो है, लेकिन जी अभी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब छेड़ लो। वैसे उस टाइम तो आपने हमारा आइटम डांस भी ना देखा, कहो तो आज दिखा दूँ। ओहो, मंजू की मम्मी ने नचाया मुझे आज तक जिंदगी में, जितना तुमने नचा लिया आज। अरे मौसी जी वो छोड़िए, आप ये बताइए यहाँ पे कैसे आपका आगमन हुआ? अरे आगमन की तेने खूब गई भैया, अरे मैंने सुना है बच्चा हुआ है। अरे मौसी हूँ, शगुन तो बनता है। हाँ शगुन, शगुन तो दो ना। अरे बच्चा इधर दो यार, इसको भूख लग रही होगी। अरे भूख लगे लंगोट बदले दो मेरे को, बच्चे का मेरा बच्चा है भाई। अरे पहले कुछ खाएगा तब तो लंगोट बदलेगी, नौबत आएगी। हाय दया मोरी भैया, दादा हो तो ऐसा, देखो तो सही कैसे मरे जा रहे पोते को। चुप कर दादा, मैं दादा नहीं पापा हूँ इसका। नहीं नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये शगुन मिलने लगा था ऐसे झूठ बोलने लगे। ये कोई उम्र है बाप बनने की? बच्चा मेरा जी, आप मेरे को शगुन दीजिए, मैं आपको तो पालो पिछट। ए लाइए शगुन दइए। अरे शगुन की तेरे खूब कही, शगुन दो भाई शगुन दो। एक मिनट एक मिनट ठहर दो, जा ढूंढ ले तो कहां धरे। ये लो ये लो, चारा ने एक रुपया मिलना रहा। और ये लो, हाथ गरम करो। ये क्या? अरे बिल। काहे का बिल? मेरे आने जाने का। इनका बच्चा इनसे लो, मेरा कोई बच्चा नहीं है, पकड़ा। हाय हाय इनका बच्चा है? अरे पहले पता तो तुम बिल्कुल ना आती, मैं तो इसलिए आई कि जाके देखा हूँ मंजू का बच्चा हुआ है, है? अरे इनका क्या, इनका तो रोज का काम है। इनका तो कुछ जाता ना है, खाम खा मेरे आना जाने का भाड़ा लग जाता है। तो आपका कौन सा पूरा लगता है, आधी टिकट लगती होगी आपकी। चुप रहो, शगुन की बात चल रही थी, वो शगुन थोड़ा सा बढ़ा लो यार, चवन्नी को शगुन होता है, बताओ। अरे जी जाजी, शगुन वगुन जान दो भाड़ में, यूँ बताओ बच्चे का नंबर क्या सोचा है? नंबर नंबर हाँ, और नहीं तो क्या, 17 बच्चे हो गए, नाम तो तक खत्म हो गए होंगे, नंबर से काम चलाएंगे। अरे बातों बातों में भूल गई, दीदी कहाँ है, उनसे तो मिल लूं। दीदी दीदी दीदी, 3 रुपए की शिकंजी का बिल है यार, कैसे भूखे नंगे लोगों से पाला पड़ गया मेरा है। हाँ तो सेम ही हुआ आपके साथ जो मेरे साथ हुआ है। क्या? सिद्धू भाजी, हाँ जी, बच्चे का नामकरण है तो आज यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मेहमान आने वाले हैं। अच्छा? और मुझे इस बात की खुशी है। हाँ? कि आज जो मेहमान आने वाले हैं। हाँ? वो मेरे बड़े फेवरेट हैं। वाह, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर इरफान खान के लिए। आपकी फिल्म का प्रोमो देखा मैंने, पीकू का, कमाल लग रहे हैं आप। कैसा है प्रोमो? जबरदस्त प्रोमो है। अच्छा है ना, आपका टीजर भी कुछ कम नहीं है। ये प्रोमो बहुत जबरदस्त है आपका भाई। आपकी एक्चुअली मैं क्या बताऊँ, ये आपसे क्या छुपाना, ये मेरा नहीं एक्चुअली। तुम्हारा नहीं है? नहीं 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 यार, मैं तो चेन लाया था इसको देने के लिए, इसके बाप को देने के लिए। गोल्ड चेन? गोल्ड? नहीं नहीं नहीं, गोल्ड की चेन है, हीरा मोती की। मतलब मेरा मेरा नहीं, मतलब मेरा अकेले का नहीं, मैं और मेरी बीवी ने पार्टनरशिप में लिया है। दिखाओ सूरत, दिखाओ। ये देखिए शक्ल से नहीं ढीठ लग रहा। तुम्हारा है पक्का? पक्का मेरा भाई। हाँ श्योर। तुम्हारा और किसका है? मेरा और मेरा मेरी वाइफ का होगा, मेरा मेरे ताऊ का थोड़ी ना। वाइफ का है तुम्हारी? वाइफ मेरी अंदर अंदर है।
इतनी बार आई हूँ इस शो पे, ये मेरा नहीं है, तेरा नहीं है, तो गोद में क्यों उठाया? कसम से मेरा नहीं है। Looks just like you. कसम से दीपू, ये मेरा बच्चा नहीं है। पर तेरे जैसा ही लगता है। बच्चे तो सब मेरे जैसे लगते हैं, मतलब ऐसे इनोसेंट फेस है तो लगता है। मेरा नहीं है, मैं इसके असली बाप को बुलाऊं? ससुर जी। ओए ससुरे, फूल बाद में बेच लेना, तो दफा हो जाना से। ये इसका बच्चा है, ये इनका बच्चा है। मैं नहीं मानती, ये इनका बच्चा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। किनका बच्चा है ये? अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बेटा तेरे पापा को क्या हो गया, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? दीपिका ये झूठ बोल रहा है बुड्ढा। ये इन्हीं का बच्चा है ना? अरे हाँ, इनका बेटा है। पता था मुझे। किसको दूं मैं? ये इनका बाप है, ये इनको इसको दो भाई। अरे ये इनका बच्चा है, हाँ दमाजी का। मेरा विश्वास ना बिल्कुल उठ गया। किससे? लड़कों से। अरे अब एक लड़के की वजह से सब लड़कों को आप ऐसा कहेंगे क्या? उन्होंने लड़का कहा, कड़का बुड्ढा नहीं कहा उन्होंने? अरे बाल सफेद रह के तो हम लड़के नहीं रहे, हम क्या लेडीज बन गए? अरे बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। एक शेर अगर आप कहें तो सिद्धू साहब मैं सुना दूं? खड़काओगे? पकड़ो बेटा। आहा, कितनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है। आज तुम्हारे चक्कर में बड़े साल बाद नहाने की कोशिश की है। भाई साहब मेरा शेर पूरा कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी चलता है। ज्यादा फ्रैंक मत हो ना, मार मार के ना इरफान भाई तेरी शिद्दत सुझा देंगे। शिद्दत से कोशिश की है। ससुर जी इधर आइए, इधर आइए। एक तो ससुर जी ससुर जी खींच खींच के जुए निकाल रहे हैं। इरफान भाई आप यहाँ बैठिए, दीपिका दोनों के लिए जोरदार ताली हो जाए। ये बच्चा बहुत ही क्यूट है, प्यारा सा है, तो शगुन लेकर आई हूँ। अच्छा, 100 रुपया शगुन? 100 रुपया? अरे बाबा, दीपिका जी अपना इतनी बड़ी हीरोइन है आप, 50 रुपये और दे दो। ससुर जी बच्चा पकड़ाइए इधर और जाइए आप। हाँ बच्चा पकड़ाइए, ठीक है, दफा जाइए यहाँ से। जीते रहो भाई, जीते रहो। पीकू पीकू अच्छी चलती रहे। एक बार इरफान खान और दीपिका के लिए जोरदार तालियां। जैसा कि आप सब जानते हैं, दीपू की फिल्म आ रही है, दीपिका की, दीपिकू की। दीपिकू, बच्चन साहब आपको ऐसे बुलाते हैं ना, दीपिकू जी। तो मैं जो दीपू बुलाता हूँ वो तो कभी मेंशन नहीं किया कभी। दीपिका की जो फिल्म आ रही है, दीपिका और इरफान की, फिल्म का नाम है पीकू। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जितनी आप खूबसूरत हैं, आपका नाम पीकू क्यों है? मतलब आपका नाम, फिल्म का नाम तो होना चाहिए था वाओ। मतलब वाई ओनली पीकू? पीकू एक पेट नेम है। ओके। बंगाली लोग रखते हैं। बड़ा क्यूट है। पीकू एक एक ड्यूटीफुल डॉटर है, अपना बाबा का ख्याल रखती है। आजकल की लड़कियां जैसी है वैसी ही है, काम पे जाती है, यू नो शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर हाउस, घर भी संभालना पड़ता है। और आई थिंक एवरी गर्ल, आज की सब लड़कियां, यू नो एवरी वन विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विद दिस कैरेक्टर। और कब्ज की बात भी होती है फिल्म में। हाँ अच्छा, अक्सर आप देख लो ना कि लड़कियों के सामने कब्ज की बात करो ना, बड़ा नाक मुंह नहीं चूड़ती हैं। मेरे को अब आके यहाँ पे पता चला कि ये सब लड़कियों को भी होता है, मतलब ऐसा मैंने सोचा। तो इरफान भाई आपने कभी फिल्म में देखा, हीरो कभी बाथरूम से निकलता दिखाते हैं टॉयलेट से, हीरोइन कभी टॉयलेट से निकलती नहीं दिखाते, हमेशा यही बोल के जाती मैं फ्रेश होके आती हूँ, अंदर जाके जो मर्जी करें, मैं नहीं पता। जैसा आप सबने फिल्म के प्रोमो में देखा होगा कि बच्चन साहब को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज जिसको बोलते हैं, कब्ज बोलने में थोड़ा ऐसा लगता है, कॉन्स्टिपेशन लगता है कि थोड़ी महंगी बीमारी है कॉन्स्टिपेशन। और दीपिका उनका इलाज करवाने जाती है। जब इरफान भाई पहले हमारे शो में आए थे तो मैंने इनसे पूछा था कि इरफान भाई आपको फिल्म में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस चीज को लेकर होती है, तो उन्होंने कहा था कि घंटी बजनी चाहिए दिल में सब्जेक्ट को लेकर। तो इस बार जो है सब्जेक्ट सबको पता है कि कब्ज है, तो कब्ज ने तो घंटी बजाई नहीं होगी, मेरे को ऐसा लगता है। इस बार किसने आपके दिल पे घंटी बजाई, फिल्म के कॉन्सेप्ट ने के जो आपके बगल में बैठी हैं खूबसूरत मोहतरमा? कब्ज से मेरा कोई लेना देना नहीं था, वो उनका अपना सदर सब्जेक्ट है। मैं तो, मेरी दूसरी घंटी बज रही है फिल्म के अंदर ना। जब आपको पता चला कि दीपिका भी है फिल्म में, तो आपने स्टोरी सुनी? घंटी बज गई फिर बस।
तो स्टोरी की जरूरत नहीं थी। तो आपने सोचा कि चलो दीपिका है, स्टोरी तो बनी जाएगी। हमने ट्रेलर में देखा कि दीपिका बच्चन साहब को फिल्म में डांट रही है, तो खैर ये तो फिल्म है और बेटियों से बाप थोड़ी डांट खा भी लेते हैं, प्यारी लगती हैं बेटियां। आपने कभी अपने पापा को रियल लाइफ में प्रकाश सर को कभी डांटा है? मैंने कभी डांटा नहीं है पर डांट पड़ी है। उन्होंने कभी डांटा है कि कपिल इतना अच्छा लड़का है, इतना प्यार करता है, कभी रिस्पॉन्स नहीं देती? मतलब नहीं, कोई भी वो कारण हो सकता है। जब भी मैं मिसबिहेव करती थी या मार्क्स कम आते थे तो एक स्टोर रूम होता था हमारे किचन में और उस स्टोर रूम के अंदर वो मुझे लॉक करते थे। दीपिका को बैडमिंटन खेलने से नहीं डांटा, बोला बॉलीवुड में जाऊंगी, नहीं डांटा। आजकल डांटते हो कि तुम ये सब तो कर लेती हो, शो में क्यों जाती हो, ये जो भाई ऐसा शो है। He's just kidding. आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैंने सिद्धू पाजी से इंस्पायर होके अच्छा दीपिका के लिए खुद अपने हाथों से गर्म गर्म शेर लिखा है। भाई ओए होए, अर्ज किया है कि तेरे प्यार में मैं निखट्टू बन जाऊंगा। तेरे प्यार में मैं निखट्टू बन जाऊंगा, पीछे पीछे चलने वाला लट्टू बन जाऊंगा। जालिम जमाना तुझे नजर ना लगा दे, आई मीन टू से हिम, जालिम जमाना तुझे नजर ना लगा दे, तेरी छत पे चढ़ के नजर बट्टू बन जाऊंगा। अबे ऐसे शेर नहीं बोलते, लड़की के लिए शेर बोलना थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बोल। आपके चेहरे की चमक ने पूरी महफिल को चमकाया है। वाह, मानो आसमान से उतर कर चांद धरती पे चला आया। आप परियों की शहजादी हैं तो कभी जन्नत की हूर लगती हो। दीपिका को मेरे खुदा ने घड़ घड़ के तराश तराश के बड़ी फुर्सत में बनाया है। अच्छा, आज फिर मुकाबला हो ही जाए। अरे अपनी दिल की बातें, अपनी दिल की बातें मैं तुझे ईमेल कर दूंगा। अपने दिल की बातें मैं तुझे ईमेल कर दूंगा, बीच में कोई बोला उसको जेल कर दूंगा। बीच में कोई बोला उसको जेल कर दूंगा। एक बार शादी के लिए हाँ बोलो, ऐसे बच्चों की घर में रेल कर दूंगा। सच्चे आशिकों के प्यार को समझेगा ये जमाना नहीं। अच्छा, आप सपनों की शहजादी, दूर कहीं जाना नहीं ठोको। मोहब्बत मोहब्बत की कलम से अपने दिल की डायरी पे ये लिख लेना, आप जैसी कोई हुस्न परी नहीं और हम जैसा कोई दीवाना नहीं। अरे वाह, बड़े उबल उबल के शेर आ रहे हैं। क्या इसके बाद कभी अमृतसर वापस जाना नहीं? जाना जाना। क्या भाभी को कभी वापस मुंह दिखाना नहीं? जाना जाना। ये अब मैं भी लेकर आई हूँ। ओए शेर, शेर ले भाई, मर गया। किसके लिए? आपसे इंस्पायर्ड हूँ सर। ओहो, सिद्धू जी के लिए। आपकी शायरी सुनकर सबके होश खो जाते हैं। वाह वाह, आपकी शायरी सुन के सबके होश खो जाते हैं। आपका तो कुछ जाता नहीं पर प्लेयर टाइम से पहले आउट हो जाते हैं। कमाल है, आज आज मिले आपको भी टक्कर। आज देखा सेब के साथ मेरे को बोलते हैं सलूट वाली है। कपिल मेरे लिए भी है जी, वो मैं कहीं मर ना जाऊं। जी बड़ा अच्छा लगता है जब तुम मुझ पे दिल दिल हारते हो। बड़ा अच्छा लगता है जब तुम दिल मुझ छी वेट फंबल मारो में सुन गया। वेट बड़ा अच्छा लगता है जब तुम मुझे ये तुम्हारा कसूर नहीं है, मेरा नाम लोगे फट करके फ्लो करेंगे। मुझ पे दिल हारते हो, वन सेकंड दिस इज इट। बड़ा अच्छा लगता है जब तुम मुझ पे दिल हारते हो। वाह वाह, ब्रो मेरे लिए बोल रहे हो। वाह वाह, तुम लोग का डकार लेके वाह वाह, मेरे लिए बोल रहा। लेट अस टेल, लेट अस स्पीक। बड़ा अच्छा लगता है जब तुम मुझ पे दिल हारते हो। हाँ। लेकिन मुझे पता चला है तुम इस बकरी पे भी लाइन मारते हो। वाह वाह वाह, यार
कमाल है यार। ओरिजिनल है सर। था। एक मिनट सर, ये मैं भी एक शेर लेके आया था। खड़काओ सर, खड़काओ। शीशी भरी गुलाब की। बिल्कुल नया शेर। ये नया शेर आज तक सुना नहीं होगा। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं। वाह वाह। आप लोगों को एक दूसरे की तारीफ करनी है तो ये क्या प्रमोशन छोड़ दूं? सिद्धू साहब, आप जब भी कोई खूबसूरत लड़की होती है, आपकी शेर में हमेशा बहुत हूर और चमक बहुत आती है। मतलब ऐसी लड़की कोई नहीं है जिसकी हूर और चमक नहीं रही हो। ये क्या बात हुई? आपका आपका गालिब हमारे सामने क्यों मर जाता है? मैं जवाब देता हूँ। इसलिए एक बार मैंने सुना आपने एक बार अनिल कपूर को भी हूर बोल दिया था। ऐसा नहीं है। वो सीरियसली ले लिया उसने। अच्छा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तुम पिछली बार जब आए थे मैंने तुम्हारे बारे क्या कहा था? ऊपर ऊपर भगवान और नीचे इरफान। क्या बात है। तो चमक नहीं दिली। तो क्या वो क्या तो क्या वो शायरी नहीं थी? बाबा जी का ठुल्लू था। एक बात कहनी पड़ेगी इरफान भाई के बारे में। आपकी तारीफ पे आने वाला था, आप पहले ही गुस्सा हो गए। बहुत समय पहले की बात, जब जुरासिक पार्क फिल्म आई, इरफान भाई फिल्म देखने जाना चाहते थे लेकिन उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे। और अब जब हॉलीवुड जुरासिक पार्क 4 फिल्म बना रहा है, उसमें ये जुरासिक पार्क के ऑनर बने हुए हैं। वाह। इरफान भाई, आपने बॉलीवुड में तो आप सक्रिय हैं ही हैं, हॉलीवुड की आपने काफी सारी फिल्में की हैं, आपका चार्म काफी मतलब ऐसा है, कभी ऐसा हुआ कि किसी फिरंग हिरन ने कहा हो कि कम ऑन इरफान, लेट्स डू सम एक्स्ट्रा रिहर्सल फॉर दिस सीन? ऐसा होता है मतलब? वहाँ एक्चुअली रिहर्सल की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ वो घर से ही तैयार हो जाती है। अच्छा, मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, जैसे आप हॉलीवुड की फिल्में कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है अगर सिद्धू पाजी क्रिकेटर ना होते, हो सकता है ये हॉलीवुड की फिल्में करते? पाजी, मेरे ऐसे दिमाग में है कि अगर टाइटैनिक में आप लियोनार्डो डिकैप्रियो की जगह होते, जबरदस्ती वो सीन नहीं था जिसमें लड़की ऐसे करके खड़ी होती, पीछे हीरो खड़ा होता है, अगर लड़की खड़ी होती तो पाजी कहता मोहतरमा ये वाइट बाल का इशारा की तेरे नीचे कर। तो और सबसे ज्यादा मजा आता है पाजी वो सीन में जिसमें पेंटिंग बनाता है लड़का, ये पेंटिंग बीच में छोड़ के अपनी शायरी शायरी शुरू होती, भाई तौबा भाई तौबा तेरा जलवा, भाई तौबा भाई तौबा तेरा जलवा तेरा प्यार, पेंटिंग गई तेल लेने हुण दे जरा दीदार ठोको। चलो खैर, ये हंसी मजाक चलता रहेगा। दीपक, एक बात बताइए मुझे, पीकू में इरफान भाई आपको गाड़ी में ड्राइव करके दिल्ली से कोलकाता लेके जा रहे हैं जी, इससे पहले फाइंडिंग फैनी में अर्जुन कपूर आपको लेके जा रहे थे फैनी को ढूंढने, उससे पहले चेन्नई एक्सप्रेस में आप शाहरुख के साथ गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, आप अलग अलग लोड ढूंढते, परमानेंट ड्राइवर क्यों रख लेते हैं? बाय। ये तड़ा पॉइंट मारा भाई। आपको हायर करूं? मैं विद गाड़ी आऊंगा, आप मौका तो दें, मैं पैसे भी नहीं लूंगा, मैं गाड़ी में हवा भी मुंह से भरूंगा, मैं इतना मतलब इतना शिद्दत से मैं आपका ड्राइवर बनूंगा। मुंह से हवा भरोगे तो उनको क्या मिलेगा उसमें? मेरे को मजा आएगा कि दीपिका की गाड़ी है, एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने भी तो यही किया, अपनी गाड़ी लेके आया, पैसे नहीं लिए, परमानेंट ड्राइवर, इसके बाद ड्राइवर नहीं ढूंढ रही हूँ। भाई सारा कुछ आप ही, ये भी शो आप ही कर लो फिर, आप ही कर रहे हो, हॉलीवुड आप कर रहे हो, बॉलीवुड आप कर रहे हो, दीपिका का ड्राइवर भी आप कर रहे हो। ओके, हंसी मजाक तो चलता रहेगा। इरफान भाई, कहते हैं ना कि बड़ों की सीख में ही भलाई होती है, लेकिन इरफान भाई ने गलत साबित कर दिया उसको, बिकॉज जब ये इंडस्ट्री में आना चाहते थे तो इनकी माता जी ने कहा कि तुम इंडस्ट्री में मत जाओ। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था आपसे? जी, वो अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी कि यहीं रहे, जो भी करे यहाँ ही करे, बाहर ना जाए। अभी भी ये बोलती हैं, वो बोलती हैं कि क्या कर रहा है वहाँ? मैंने कहा काम कर रहा हूँ फिल्मों में, आप देखती तो। बोला क्या काम, यहाँ आके कर ले कुछ। मेरे को एक और बात बताइए इरफान भाई, लोग जो मर्जी कहें कि फलाना हीरो जो उस पर रोमांस बड़ा शूट करता है, उस हीरो पे शूट करता है, फलानी हीरोइन पे, मेरी नज़र में इनसे ज़्यादा खतरनाक रोमांटिक आदमी कोई नहीं, क्योंकि फिल्म रोमांटिक हो तो उसमें तो रोमांस होना ही है। ये देखो कैसी कैसी फिल्मों में रोमांस करते हैं, मकबूल में,
पान सिंह तोमर में. मतलब फिल्म कितनी भी गंभीर हो, ये जगह ढूंढ लेते भी कहां पे एंजॉय करना. ऐसा ही करा भाई. यार इतनी मुश्किल से मुझे कुछ चांस मिला रोमांस करने का, वो भी खुल के नहीं, थोड़ा 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 थोड़ा. उस पर तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो रहा है. नहीं प्रॉब्लम नहीं, मैं मतलब प्रेस कर रहा हूं. तुमने कुछ 200-150 एपिसोड बनाएंगे, उसे 500 बार रोमांस कर लिया होगा. नहीं नहीं, और तुमने किसी को नहीं छोड़ा. अफवाह है भाई. अफवाह है. अफवाह है. तुम्हारी रेंज का कुछ हिसाब ही नहीं है. कहीं से कहीं तक मैं हूं भी नहीं, वो तो मोटा सा लड़का था कोई. बट देयर इज प्रूफ. हो गया खत्म. मेरी तो चलो आपने शो में से रील निकाली, मैं आपकी रील कहां से निकालूं. He's just jealous. ओके दीपिका एक बात बताइए जी. इरफान भाई यहाँ पे तो बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं, सेट पे भी करते थे. है शायद है, बट he has a great sense of humor. मैं भी शो शो शुरू कर रहा हूँ ऐसा एक. कुछ और कुछ चांद पे जाने की तमन्ना है एस्ट्रोनॉट बनके. यहाँ पे हमारे कुछ दर्शक हैं इरफान भाई जी, जिनका ये मानना है कि आप बहुत गंभीर एक्टर हैं, लेकिन वो आपको खुल के हंसा सकते हैं. जी, तो कौन है हमारे दोस्त जी, आइए. ब्लैक एंड व्हाइट. तो आप क्या पेश करना चाहते हैं. मैं सर आपको एक जोक सुना रहा हूँ. अच्छा. पत्नी कहती है पति से. पत्नी कहती है पत्नी से. पति से. पति से. पत्नी कहती है पति से. पति से. स्वामी जब भी मैं आपसे एक घंटे बात करता हूँ तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती है. तो इसके पति कहता है. पत्नी. पत्नी कहती है पति से. स्वामी जब भी मैं आपसे एक घंटे बात करता हूँ तो मेरी बात करता नहीं करती हूँ. तू क्या चेंज करे जा रहा है सब कुछ. बात करता हूँ. हाँ करती हूँ. कौन किससे करती हूँ. पत्नी पति से कहती है कि जब मैं तुमसे बात करती हूँ. बोलो ना पत्नी की क्या दाढ़ी निकलती. पत्नी जेंडर चेंज कर रहा है. पत्नी कहती है पति से कि जब मैं आपसे बात करती हूँ तो रिलैक्स होती हूँ. ये जब भी मैं आपसे एक घंटा बात करता हूँ. भाई तू इरफान को बुलाओ. एक घंटा बात करता हूँ. एक घंटा बात करता हूँ. पत्नी कहती है पति से जब भी मैं. क्या कहती है. जब भी मैं आपसे. क्या कहती है पत्नी. जब भी मैं आपसे. बताओ आगे तो बढ़ो. जब भी मैं आपसे एक घंटे बात करता हूँ. करती हूँ. सॉरी सॉरी. करती हूँ. भाई एक बात बताइए, जिस पत्नी की आप बात कर रही है क्या जेंट्स वॉशरूम जाती है. हर बार मैं करता है करता है. हेलो. पत्नी कहती है पति से जब भी मैं आपसे एक घंटे बात करता हूँ. करती हूँ. करते हूँ. करती हूँ. अभी पत्नियों का ग्रुप आ गया. करते हूँ. करते हूँ. फिर से बोलिए प्लीज. चुटकुला हुआ नहीं भाई. बोलिए फिर से. बोलिए ना प्लीज. पत्नी कहती है पति से जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ. मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती है. टेंशन खत्म हो जाती है. मेरी सारी टेंशन. मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती है. तो इस पे पति कहता है और अगले 23 घंटे के लिए मैं टेंशन में आ जाता हूँ. फिर अच्छा ये मेन पंच था. ये आपका जोक था. उसके पहले आपने बहुत ज्यादा. क्या नाम है ब्रदर आपका. हाँ जी चंदन कुमार. चंदन क्या करती हैं आप. हाई स्कूल टॉपर हूँ और सी ड्रॉपर हूँ. अच्छा. क्या मैं सर इरफान सर से मतलब एक मिनट के लिए मिल सकता हूँ. हाँ हाँ ये आइए. आ जाइए मिल लीजिए. आइए प्लीज प्लीज. थैंक यू वेरी मच. अरे बाबा खींची लो खींच लो पकड़ो. शुक्रिया चंदन. थैंक यू सो मच. के सामने में फर्स्ट टाइम आया था इसलिए. नो नो प्रॉब्लम ब्रदर. ये टू फनी. बड़ा मजा आया. चलो थैंक यू. और कोई मेरे दोस्त. चंदन जी क्या बोल रहे अंकल. डांट दिया उन्होंने आपको. कुमार नहीं नहीं उन्होंने वो डांट रहे अंकल आपको.
बोलना है, अगर तुमको ये बोलना नहीं आता तो तुम्हें टॉप कैसे किया? तो मैंने इससे कहा सर मैं इसके सामने मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इसलिए थोड़ा मुझे स्टेशन हो। अरे तू टॉप क्लास बंदा यार, क्या बात कर रहा है, टॉप क्लास बंदा पीछे बैठे वैसे डांट दिया। कुछ नहीं सर, कैसे मैं के सामने सर अच्छे से की हालत खराब हो जाती है। कोई चक्कर नहीं है, तू बढ़िया था। शुक्रिया मेरे भाई चंदन जी, आपका ना अंदाज बड़ा मजेदार था। मेन पंच को छोड़ो, उसके पहले ही आपने ऐसा दिया। थैंक यू। अब वक्त है फिल्म पीकू के डायरेक्टर, बड़े उम्दा डायरेक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के, बड़े एक काबिल और होनहार डायरेक्टर हैं। आपकी फिल्में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं, पर आज आप कॉमेडियंस में आए उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और दूसरी बधाई मेरे को, क्योंकि आपकी वजह से दीपिका पांचवीं बार हमारे शो में आई है। इट्स अ प्लेजर। वेरी गुड, थैंक यू। सर ये जो मुद्दा है पीकू का, इसका मेन जो मुद्दा है वो है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। तो ये मुद्दा कब से आपके पेट में अटका हुआ था सर? मतलब कब से सोच रहे थे आप कि मैं इस मुद्दे के ऊपर फिल्म बनाऊंगा? ये एक्चुअली फादर और एक डॉटर की कहानी है जी। कॉन्स्टिपेशन तो एक मुद्दा है जो बाद में डिस्कशन होता है जी। एक बेटी जो एक बाप को कैसे झेलती है घर पे, ये उसकी कहानी है। और जब बाप जो है थोड़ा सा खिसका हुआ हो तो थोड़ा सा खिसका हुआ था, और इन परिवार के बीच में ये फंस जाते हैं, और ये फिर इन दोनों को कैसे झेलते हैं वो है कहानी। अच्छा सर एक बात बताइए, सीक्वल जो बनते हैं फिल्मों के, तो अगर आप पीकू का भी सीक्वल बनाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन तो इसमें दिखा दिया, तो अगली फिल्म में क्या लूज मोशन दिखाएंगे बच्चन साहब को? सीक्वल बनेगा तो क्या बनेगा? जैसे कि हमने अभी ये बात की कि ये फिल्म एक ऐसे टॉपिक पे है जो बड़ी आम घरों में नॉर्मल सी प्रॉब्लम रहती है, हमारे बाप दादाओं को या किसी को भी ये प्रॉब्लम रहती है, हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे भी होंगे। सो ये है प्रॉब्लम छोटी सी, लेकिन जब ये होती है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए घरेलू नुस्खे हम लोग क्या क्या आजमा सकते हैं जी। कौन से हमारे दोस्त हैं जो हमसे घरेलू नुस्खे डिस्कस करना चाहते हैं? जी अजी मैडम, वाह जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुबह रात को तांबे के लोटे में पानी भर के जी आपने घर में रख दो, ऊपर से ढक दो, सुबह उठ के बैठ के पीना है। जैसे अपने पोटी करने के लिए बैठते हैं ना, ऐसे बैठना है, ऐसे बैठ के उसको पीना है। जब तक प्रेशर पड़े नहीं तब तक उठना नहीं। ऐसा प्रेशर पड़ेगा ऐसा कि बाथरूम जाना मुश्किल हो जाएगा, एकदम पेट साफ हो जाएगा। मतलब और हाँ जी, अगर आपको इतना यकीन है उस तांबे के लोटे पे, हाँ जी, तो फिर सीधा ही आदमी कमोड पे बैठ के क्यों ना वो करे? नहीं नहीं, अगर रास्ते में कांड हो गया तो। आपके लिए मैं दो लाइन बोल सकती हूँ? हाँ जी, चार बोलो। आपके लिए दो लाइन बोलूं? प्लीज प्लीज। सगना वाली बरात ले आवा, सगना वाला दूल्हा, ओ सगना वाली बरात ले आवा, सगना वाला दूल्हा, ओ सगना वाली कुड़ी ले आवा, हो ओ सगना वाली कुड़ी ले, कपिल जी दे वेड़े नी मैं सगन मनावा, मैं नचदी टपदी आवा नी मैं सगन मनावा। मैम बात सुनिए, सच्ची में लग रहा है कि मेरा और दीपिका का लेडी संगीत हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला है। थैंक यू सो मच। मैम बात सुनिए, मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है, इसकी बहुत फरियाद दीपिका जी से मिलना है। जी, इसके जी, पापा जिंदे थे तभी बोलते थे मैं मिला दूं, आज नहीं है। अरे तो भगवान ने जी जी प्लीज प्लीज उनकी कामना पूरी। इसके डैडी हमेशा बोलते थे मैं मिला। आज कौन आ गई मीना कुमारी, तो मेरे पति पे डोरे डाल रही है। आए आंखों में तेरी कर रही है, मेरे पति के साथ मैं ना छोड़ूंगी, ना ना मेरे पति का मेरा घर उजाड़ दिया रे, आए बहका दिया मेरे पति को, लेकिन मैंने भी गांव की सबसे मोटी भैंस का घी खाया, मैं ना छोड़ूंगी उसको। जो है अच्छा, तुम हो उसको 20 सेकंड देख के मेरे पति ने 40 साल का प्यार छोड़ दिया मेरा। मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं छोड़ा, ले मैं इनकी तरफ देख रही हूँ। अच्छा, इनकी तरफ देख रही हूँ। ये
ऐसी साड़ी पहन के तो मैं भी लगूं दीपिका पादुकोण। आसुमा, ये असली वाली दीपिका पादुकोण है। अच्छा, मुझे लगा शीशा है। मेरे को अपनी वो परछाई दिखाई दी, इसलिए मेरे को लगा शीशा होगा। चलो कोई बात नहीं, मेरी नजर कमजोर हो गई ना बेटा थोड़ी। अच्छा, नजर कमजोर होगी, खुशखबरी तो हर साल दे देती हो। उसमें कौन सा निशाना लगाना पड़ता है बेटा? सासुमा, इंडिया में हर 10 में से 9 आदमी को मीठे आम और दीपिका पादुकोण बहुत पसंद है। उसने कुछ नहीं किया। अरे, मेरे पति का क्या कसूर है इसमें? वो तो बेचारा किसी भी खूबसूरत लड़की को देख के लट्टू हो जाए। सही, उनमें कोई दोस्त थोड़ी है उनका। ये कौन है? अरे, इनको नहीं जानती? ये शुजी सरकार है, फिल्म डायरेक्टर। नमस्ते। नमस्ते, बीजेपी के हैं? बीजेपी के मतलब? इनकी तो सरकार है ना बेटा। अरे, इनका नाम है शुजी सरकार, ये फिल्में बनाते हैं। पहले तो सरकार ये रोड और राशन कार्ड बना रहे थे, फिल्में भी बनाने लग गई। चलो कोई नहीं जी, नमस्ते। नमस्ते। और आप सुन लो, मेरे पति पे डोरे ना डालो आप। 18 बच्चे पैदा किए मैं, अपने पति ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा थोड़ा ही भी किसी खूबसूरत इंसान को देखा तो फिसल। थोड़ा थोड़ा आराम से, इतनी जल्दी क्या है? आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। आंखें क्या दिख रही है आपको? चश्मे के पीछे क्या है हमको मालूम है। आपकी आंखें देखे, 2 पैक का नजर हो गया। हो गया? हाँ, खुशी भी हो रही है, गम भी हो रहा है आपको देख के। मैं जितनी पी के आया था उड़ गई मेरी। गम किस बात का हो रहा है? पहले मिल जाते तो मैं ज्यादा खूबसूरत थी, इम्प्रेस हो जाते आप। इम्प्रेस तो अब भी हूँ मैं आपसे। अरे नहीं नहीं पहले मेरी बात ही कुछ और थी, छोड़ो, दुनिया के सामने पकड़ के बैठो। आपको पता ना है मेरे ऊपर वो जो गाना था ना, चंदन साबदन चंचल चितवन, मेरे ऊपर लिखा गया था। झूठ बोल रही है। ससुर जी तो कह रहे थे तेरे ऊपर वो गाना बना है, वो क्या, एक गणपत चल दारूला। क्या इरफान खान के सामने क्या मेरी इंसल्ट कर रहे हो तुम? तुम लोगों को हुआ क्या दोनों बूढ़े बूढ़ी को? मेरे ससुर जी आए वो दीपिका को देखे लुटक गए, अब तू आई तो इरफान को देखे लुटक रही है। उनका पता नहीं मेरे से कंट्रोल ना हो रहा बेटा। इरफान, अगर आज आप मुझे इशारा कर देना, मैं सब कुछ छोड़ के आ जाऊं। सब कुछ है क्या ससुर तुम्हारे पास? 18 बच्चे, एक पति, और बेर की बोतल में लगा हुआ मनी प्लांट, और क्या टुल्लू तेरे पास? क्या सब कुछ छोड़ के? कमी क्या है इरफान? देखो, जितनी दीपिका जैसी मेरी हाइट है उतनी मैं खूबसूरत हूँ, वैसा मेरा फिगर है। और ये उपले बना सके क्या? मैं तो बना सकूं, उपले बनाती है, आती है तुमको? नहीं आते। दीपिका क्यों बनाने आएगी, इतनी बड़ी एक्ट्रेस होके उपले बनाएगी? बेटर हुई ना फिर, मैं तो उपले भी बना लूं। अरे मैं तो एक हाथ से उपले बना लूं, एक हाथ से चपाती बनाऊं। एक बार तो मैंने दीवार पे चपाती लगा दी गलती से और इनको उपला खिला दिया। ससुर जी को पता नहीं चला तूने उपला खिला दिया उनको? मैंने कह दिया मिस्सी रोटी है, खा लो। तो खा गए, उनको पता ही ना चला। सासुमा, उन्होंने तो जो खा सो खा, आप हमारा दिमाग क्यों खा रही हैं? जाइए ना यहाँ पे, अंदर जाके तैयार हो जाइए। ना और तैयार ना हूँ, ये फिसल जाए मुझको देख के। और ये फिसल गए तो अगले साल एक और नामकरण करना पड़ेगा। सासुमा जाओ ना अंदर, मेहमान आने वाले, जाओ प्लीज। खबरदार, अगर मेरे पति पे डोरे डाले तो दोबारा। एक बार दीपिका, इरफान और शुजी सरकार के लिए जोरदार तालियां। इरफान, दीपिका, सुजीत सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर, बिकॉज पिकू जो है लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और आप आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहे। थैंक यू सो मच। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, दीपिका ऑलवेज विद यू। थैंक यू सुजीत सर, मजा आ रहा है।